हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी मेडिवल इंडिया की सीरीज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ, जो कि 800 से लेकर 1200 AD तक चली है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सारे नोट्स हैं बहुत ही क्रिस्प हैं, और जहाँ तक हो सकता है मैंने बैकग्राउंड स्टोरी समझाते समझाते नोट्स बनाए हैं, तो उसके बाद आप मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत होइएगा, सब कुछ इसमें कवर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेड और कॉमर्स कैसा था। तो कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये पीरियड रहा था रुका हुआ ट्रेड था, यहाँ पे डिक्लाइन था, है ना, काफ़ी एब्सेंस थी गोल्ड कॉइन्स की 10th सेंचुरी तक। और ये आप कह सकते हो कि मतलब जो ये एब्सेंस की जो या आपको जो गोल्ड कॉइन्स की काफ़ी एब्सेंस थी, इसकी वजह से लगता है कि भैया ये काफ़ी डिक्लाइन था उस समय ट्रेड में, ट्रेड रुका था या स्टैगनेट था, रुका हुआ था या फिर डिक्लाइन हुआ था, तो ऐसा कुछ था। लेकिन ये डिबेट का मैटर है ना, यहाँ कुछ लोग तो ये बात कहते हैं, बट दूसरे लोग कुछ ये बात भी कहते हैं कि इसमें जो है जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो ये सीरियसली इसने इंडिया को अफेक्ट नहीं करा, कई सारे कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर बायजेंटाइन एम्पायर ने कंटिन्यू रखा ट्रेड इंडिया से, है ना, और वेस्ट में हमारा ट्रेड चलता रहा दो लार्ज एम्पायर से, जिसे बायजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, और उसका जो बेस है कॉन्स्टेंटिनोपल वहाँ पे भी, और जो ससैनिड एम्पायर था उससे भी ईरान में, है ना, ये सारे से जो है ये सब रोज होते गए उठते गए इस पीरियड के टाइम पे। ठीक है, तो जब अरब आ गए, अरब का एम्पायर आ गया 7th सेंचुरी में, तो अरब ने भी एक्सपैंड कर दिया ट्रेड वेस्ट में, वेस्ट टू इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से। ठीक है, तो अरब का भी मतलब यहाँ पे हमारे ये वाले जो कोस्ट हैं अरेबियन सी वाले, यहाँ से हमारा चलता रहा इनका ट्रेड, और क्या कहते हैं फिर साउथ ईस्ट एशिया चला, चाइना से चला। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है इस बात को मानने का कि इंडियन ट्रेडर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था यहाँ पे ट्रेड अपना बढ़ाने से, कोई रीज़न नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे इंडिया में आता रहा और बदले में यहाँ पे ट्रेड होता रहा होता रहा। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है वो मानी जाती थी कंट्री कि इसमें यहाँ पे जानते हैं सोने की चिड़िया कहते थे, बहुत ही गोल्ड और सिल्वर था, और हेंस आप जानते हैं उसी के बाद तो इतने सारे अट्रैक्टिव फॉरनर्स आए, इन्वेट करा चंगेज खान वगैरह ने, कितना आया लूट लिया हम लोगों को, तो क्या कि मतलब पैसा तो होगा ना तभी तो लूटा, बिना पैसे कैसे लूटोगे। ठीक है, कई सारी स्टेट्स वगैरह जो है इस समय अरोज हो रही थी कंट्री में, निकल निकल के आ रही थी। और बंगाल की बात करें, सिंध की बात करें और तमिल कंट्रीज की बात करें, तो इसको मजबूत बनाने के लिए खुद की पोजीशन रूलर्स ने यहाँ पे क्या करा, रूलर्स ने इनवाइट करा ब्राह्मण्स को, है ना, कि भैया आइए सेटल डाउन करिए हमारे यहाँ, और उनको क्या करा कि फ्री में जो है वो लैंड देने लग गए, रेंट फ्री लैंड यहाँ पे आराम से रहिए उसमें, और क्रॉप वॉप बनाइए अपना जो है वो एग्रीकल्चर वाला काम करिए, जैसा आपका मन चाहे वो चीज़ें करिए, तो इनको रेंट फ्री लैंड देने लग गए। ठीक है, सिंस ये सारी लैंड जो है वो बहुत सारी लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड पड़ी थी, ठीक है, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ था, तो हुआ क्या, कई सारे जो ट्राइब्समैन थे, जो नोमैड्स वगैरह थे, कैटल रेयरर्स वगैरह थे, या फूड गैदरर्स आप कह सकते हो, है ना, जा जा के अपना खाना इकट्ठा करके खाते हैं इधर उधर, या भेड़ बकरी चराते हैं, है ना, ये सब यहाँ पे आए और ये सब जो है वो सेटल डाउन हो गए एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया की बात बताऊँ तो पर्टिकुलर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, है ना, लंबा दूर तक जो ट्रेड होता था एक जगह से दूसरी जगह, उसमें जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला, कमी देखने को मिली कंट्री के भीतर जो होता था। और अपेरेंटली इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड जो है वो गिल्ड्स का या शेनेस का या संघ का काफी कम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, गिल्ड्स जो थी, गिल्ड जानते हैं, गिल्ड्स में जो है और फिर इसमें लोग रहते थे जिसमें आपका कई सारे कास्ट के बिलोंग करते थे। ठीक है, इसमें आपका जो है उनके खुद के रूल ऑफ कंडक्ट होते थे, इसमें मेंबर्स जो है वो लीगली बाउंड होते थे, जो मतलब सारे मेंबर्स हैं उनको ये लीगली बाउंड है कि हमें रूल फॉलो करना ही करना है ना। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है इंटाइटल्ड थे कि लेंड करें, बोरो करें मनी, है ना, पैसा दें, पैसा लें या फिर एंडाउमेंट्स लें, है ना। जब जैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की कमी हो गई, है ना, तो क्या हुआ कि ये सारी बॉडीज जो थी वो अपनी इम्पोर्टेंस खो गई, भाई पैसा दें पैसा लें, अब कहाँ क्या करेंगे पैसा दें पैसा लेकर, है ना। तो हम काफ़ी कम रेफरेंसेस पाते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इस पीरियड के टाइम पे कि गिल्ड्स वगैरह एंडाउमेंट ले रही थी नहीं ले रही थी, हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस कम है। ठीक है, वक्त के साथ साथ क्या हुआ, कुछ पुराने जो श्रेन्स वगैरह थे वो सब कास्ट की तरह इमर्ज होकर आए। ठीक है, सब कास्ट की तरह मतलब गिल्ड्स वगैरह जो थे ये सब कास्ट की तरह, सब कास्ट की तरह निकल के आए। जैसे कि बताऊँ कि द्वादशरणी, है ना, ये जो है ये गिल्ड थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये थी गिल्ड थी और ये सब कास्ट बन गई थी वैश्या की, है ना, वैश्यास की सब कास्ट एक बन गई थी। और जैनिज्म
जर्नलिज्म, जो कि यहाँ पे जो मर्चेंट वगैरह थे, मर्चेंट सेक्शन था, वो यहाँ पैटर्नाइज करता था, इसने भी जो है सेटबैक पाया नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र क्या होते हैं, लॉ बुक होती है ना बच्चे, लॉ बुक होती है, लॉ बुक तो आप जानते हो क्या होती है, जहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर लिखे होते हैं सारे। तो कुछ धर्मशास्त्र में जो है लिखा हुआ है कि इस वक्त में क्या था, यहाँ पे बैन रखा गया था ट्रैवल करने पे बियॉन्ड द एरिया जहाँ पे मुंजा ग्रास ना ग्रो होती हो, समझ रहे। और यहाँ पे कहते हैं तो ब्लैक गैजल जो होती है वो यहाँ पे ना टहलती हो, है ना। तो मतलब समझ रहे हैं कि मतलब इंडियन प्रॉपर के बाहर जो है बाहर निकलने पे यहाँ पे जो है रोक लगाई रह गई थी। ठीक है, ये कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। जो सी सॉल्ट सी थी वगैरह थी, उनके जो है उनको क्रॉस करना, और क्या कहते हैं ये सब यहाँ पे पलूटिंग मनाया जाता था। आपको याद है ना, ब्रिटिश में आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स जो है अब कहते थे कि नहीं जाइए पंजाब सिंध में सर्व करिए, तो वो लोग क्या बोलते थे कि नहीं भैया हमें तो नदी क्रॉस करनी होगी, और नदी क्रॉस करना मतलब ब्राह्मण्स के लिए था कि मतलब ये पलूटिंग है ना, लॉस ऑफ कास्ट है। तो ये यहाँ से देखिए निकल के आया है, बहुत पहले का चल रहा था। ये सारे बैन जो है वो टेकन नहीं थे, और सीरियसली ये सारे बैन जो थे वो सीरियसली नहीं लिए जाते थे, किसके द्वारा, इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा, मेडिकल मैन के द्वारा, क्राफ्ट्समैन के द्वारा। क्यों, क्योंकि आपको बताइए ये लोग बगदाद गए, दूसरे मुस्लिम टाउन्स भी गए वेस्ट एशिया में इस पीरियड में ना, तो ये माना जाता है कि ये बाकी सारे लोगों के सारा ये नहीं, ब्राह्मण्स मेनली इनको बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, और जो जो ये बैन था वो मेनली ब्राह्मण्स के लिए था, ओनली इंडियंस गोइंग टू द एरियाज डोमिनेट बाई इस्लाम, है ना। इनको डर क्या था कि ऐसा हो जाएगा अगर मान लीजिए इंडियंस चले जाएंगे ऐसे एरियाज में जहाँ पे इस्लाम ज्यादा है, जैसे वेस्ट में चले जाएंगे या फिर बुद्धिज्म में चले जाएंगे जो ईस्ट में बहुत ज्यादा है, तो ये है कि भैया इनके यहाँ से जो है रिलीजन आइडियाज ले आएंगे और हमारे यहाँ का जो डायस्पोरा है उसको खराब करेंगे, है ना। तो देखिए जो बैन था सी ट्रैवल पे, है ना, ये इंटरफेयर नहीं करता था ग्रोथ के साथ में, इंडिया के जो इंडिया का जो ओवरसीज ग्रोथ था, ठीक है, कंट्री टू कंट्री वाला, इस बैन ने इसको जो है यहाँ पे अफेक्ट नहीं करा। विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इसके साथ कुछ अफेक्ट नहीं हुआ इसका, और ट्रेड चलता रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मर्चेंट क्लास वगैरह इस बैन को इतना नहीं मानता था। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर फीचर्स लैंग्वेज वगैरह के एरिया में, उनके ड्रेसेस वगैरह, ये जो है वो बुक्स जो है उस वक्त के पीरियड की जो बुक है, जैसे कि हरिसेन बृहत कथा कोश, है ना, इसमें ये सारी बातें दी गई है, कैसी ड्रेस थी, क्या था। अब इंडियन मर्चेंट्स वगैरह जो थे वो ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स में, गिल्ड्स मैंने बता दिया क्या होता है, और ज़्यादा जो फेमस उनमें से थे वो थे मणिग्रामन नंदेसी। क्या नाम था, मणिग्रामन एक एक का नाम था और दूसरा नंदेसी। ठीक है, ये सारे गिल्ड्स जो हैं वो उसमें इंटरप्राइज की स्पिरिट थी, इंगेज थी रिटेल वगैरह में, होलसेल ट्रेड भी होता था कई सारी फॉरेन कंट्रीज में। और जो चीफ इंडियन पोर्ट था सेल करने के लिए, मतलब सेलिंग के लिए, मतलब यहाँ से शिप जो जाती थी वो था, मतलब जो चीफ इंडियन पोर्ट था जावा जाने के लिए, सुमात्रा आइलैंड वगैरह जाने के लिए, वो था तमरा लिप्ति, है तमलुक भी कहते थे, और ये बंगाल में था। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, हमारे ईस्ट साइड पर। उसके बाद मर्चेंट्स वगैरह, मर्चेंट्स स्टार्ट फॉर सुवर्ण द्वीप, है ना, जिसे मॉडर्न इंडोनेशिया कहते हैं, है ना, तो उन्होंने स्वर्ण द्वीप के लिए स्टार्ट करा, या फिर आप कहते कथा के लिए, मतलब कदा कहते हैं मलया में, है ना, फ्रॉम तमला लिप्ति। ठीक है, इसी तमला लिप्ति, मतलब तमलुक वाले जो क्या कहते हैं ये पोर्ट से ये लोग जो है इंडोनेशिया भी गए, और जहाँ पे स्वर्ण द्वीप इसको बोलते थे, या कथा मतलब जो मलया है इस, मतलब कथा क्या कहते हैं, कथा मलया में कहते हैं, केदा कहते हैं मलया में, यहाँ गए। अच्छा, जम बुद्धिपा, है ना, इंडिया, फिर कर्नाटका को मतलब साउथ इंडिया, और गौड़ मतलब बंगाल, ये मतलब यहाँ यहाँ पे है, तो अभी आप समझ लीजिए जगह बताई मैंने कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, चाइनीज ने देखिए बहुत सारी क्वांटिटी स्पाइसेस की कंज्यूम करी, और जिसको इम्पोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया से। आप जानते हैं हमारा जो है इंडिया काफ़ी स्पाइसेस में स्ट्रांग है, इन्होंने हमारे यहाँ से आइवरी भी ली, है ना, और बेस्ट उसमें से था जो दे ऑल्सो इम्पोर्टेड आइवरी, द बेस्ट ऑफ विच केम फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से बहुत ज़्यादा आती थी, और ग्लासवेयर वगैरह जाते थे वेस्ट एशिया से, है ना। टू दीज वर एडेड मेडिकल हर्ब्स वगैरह थे, लाख था, लाख की चूड़ियाँ बनती है ना, और उसके बाद जो है इंसेंस, सारे टाइप जितने रेयर रेयर कमोडिटीज थी सब ये मंगाते थे। उसके बाद दोनों ही इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड करने के बीच में, चाइना और जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ज़्यादातर जो ट्रेड था चाइना में उसको इंडियन शिप्स में कैरी कराया जाता था,
ना, जैसे कि आपका टीक वुड, मालाबार की, बंगाल की, बर्मा की, है ना, ये बेसिस देती थी। यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन था शिप बिल्डिंग का, है ना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिप बिल्ड्स होती थी। और वेदर कंडीशन जो थी वो भी ऐसी थी कि मतलब ये पॉसिबल नहीं था शिप के लिए कि वो सीधा जो है सेल करे स्ट्रेट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू चाइना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि भैया ले भैया मिडिल ईस्ट से जहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है यहाँ से सीधा जो है वो चाइना चली जाए। तो हमारे यहाँ से होके जाना पड़ता ही पड़ता था। और उसके बाद जो मेन सी पोर्ट था फॉरेन ट्रेड के लिए चाइना में इस पीरियड में, वो था कैंटोन। क्या था? कैंटोन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कनफू, है ना, जैसे अरब ट्रैवलर्स को कनफू बोलते थे। और बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है वो जाते थे इंडिया से चाइना जाते थे इसी सी रूट के माध्यम से, ठीक है, कैंटोन से। अब देखिए, जो इंडियन की प्रेजेंस थी चाइनीज सी में, आप इसको टेस्टिफाई कर सकते हो टू बाय जापानीज रिकॉर्ड्स, है ना, जापानीज रिकॉर्ड में इस चीज़ लिखी हुई है, इंडियन की प्रेजेंस है चाइनीज सी में, है ना, जो चाइनीज सी में है कि मतलब ये सॉरी जापानीज रिकॉर्ड में है कि विच गिव द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉटन इन टू जापान टू टू इंडियंस। ठीक है, जापानीज रिकॉर्ड में क्या कहते हैं कि भैया जो कॉटन वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हुई जापान में, वो दो इंडियंस के द्वारा हुई, जो कि कैरीड ओवर किया था कंट्री बाय कंट्री ब्लैक करंट। देखिए, अब इंडियन रूलर्स, अगर पर्टिकुलरली हम पाला और सेना रूलर्स जो बंगाल के थे उनकी बात करें, या पल्लवा और चोला रूलर्स जो साउथ इंडिया के थे उनकी बात करें, तो इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है इनकरेज करने की इस ट्रेड को, कैसे, सीरीज ऑफ एम्बेसीज भेज के चाइनीज एम्प्रेस को। और जो चोला रूलर थे राजेंद्र वन, है ना, काफ़ी फेमस रहे हैं इन्होंने। एक तो नेवल एक्सपीडिशन भेजा था मलया के अगेंस्ट और नेबरिंग कंट्रीज के अगेंस्ट, ताकि ये ओवरकम कर सकें अपने इंटरफ्रेंस को जो कि ट्रेड वे है चाइना वगैरह के साथ में। ठीक है, उसके देखिए चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है कोशिश करी कि वो रेस्ट्रिक्ट कर दे एक्सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर का चाइना से। ठीक है, एक्सपोर्ट ना करें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर चाइना से। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था ग्रोथ में चाइनीज शिप्स की, वो था मैरिनर्स कंपस का यूज। ठीक है, मैरिनर्स कंपस का यूज जो कि एक इन्वेंशन था और ये बाद में चाइना से वेस्ट में गया, तो ये यहाँ पे कंपस जो है वो काफी बढ़िया इन्वेंशन रहा इनके द्वारा करा हुआ। अब हम लोगों के कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन नहीं था हाई स्टैंडर्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट में, जैसे कि आपका टेक्सटाइल हो गया, वर्क हो गया गोल्ड एंड सिल्वर का, मेटलर्जी वगैरह का। इस पीरियड में इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो कंटिन्यू रहा, है ना, फ्लरिश करता रहा, फ्लरिशिंग कंडीशन में था। और 3 से 5 स्टोरी के घर हुआ करते थे, है ना, काफ़ी महंगे महंगे ज्वेल्स थे, है ना, काफ़ी मतलब यहाँ पे कह सकते हो आप, मतलब लोग ये जो जितने भी नोबल्स या अमीर लोग थे ये राजा की काफ़ी कॉपी करते थे उस समय, है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए बड़े बड़े घर, कॉस्टली ज्वेल्स, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन होती थी उनके घरों में। और उसके बाद ट्रेन बढ़िया डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते थे ताकि वो देख सके ये सारे जितने भी जो औरतें हैं और जब ये सब सारा सामान है उनको। ठीक है, उसके बाद काफी हाई साउंडिंग टाइटल्स ये लोग जो है रखते थे, जैसे कि महासमन डन तिप्पी जो भी है, टथिपी पाती टथिपति महासमन टथिपाती, है ना, तो ऐसा है पति वगैरह। एंड इनका खुद का डिस्टिंक्टिव सिंबल्स भी थे, जैसे कि आपका बैनर्स हो गया, उसके बाद डेकोरेटेड अम्ब्रेलाज वगैरह हो गए, है ना, याक टेल विस्क फ्लाई अवे फ्लाम फ्राइज। उसके बाद देखिए जो मेन बिल्डिंग थी वो अप्रोच थी बाय द स्टेयर केस ऑफ क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल का काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोल होता था, काफ़ी यूज करते थे ये लोग। और टेम्पल जो होता था, जो मंदिर होते थे उसमें क्रिस्टल का फ्लोर होता था, वॉल्स वगैरह जो थी उनको सजाते भी थे रिलीजियस पेंटिंग्स से, जिसमें भी इमेज होती थी क्रिस्टल की। तो उसके बाद जो है वास्तुपला और तेजपला, है ना, जो कि मिनिस्टर्स थे गुजरात में, ये भी रेप्यूटेड थे कि इनको जो है वो रिचेस्ट मर्चेंट्स माना जाता था उस वक्त का। ठीक है, अब जो सोसाइटी का जो ग्रोथ था वो आप कह सकते हो फ्यूडल इंक्रीज द बर्डन्स ऑन द कॉमन मैन, फ्यूडल सोसाइटी काफी बढ़ गई थी, इसकी वजह से कॉमन मैन पे, आम आदमी पे काफी बर्डन बढ़ गया था। उसके बाद देखिए जो ऑथर थे राज तरंगिनी के, है ना, जो कि कश्मीर में लिखी गई थी ना 12th सेंचुरी में, राज तरंगिनी, आपने ये देखा नहीं है तो ये नितिन सिंघानिया की सीरीज जो है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें कई बार इसका जिक्र हुआ है। इसने जो है राजतरंगी का, है ना, तो हैज देम इन माइंड व्हेन ही सेज दैट वेयर एज द कोर्टियर्स एट फ्राइट, मतलब ये क्या था, मतलब यहाँ पे क्या था, जो जितने भी राज दरबारी वगैरह थे, राजमहल के जितने लोग थे उनको मीट और बढ़िया जो है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चौकस जो है वो ड्रिंक्स बढ़िया पी रहे हैं, ठंडी वाइन्स पी रहे हैं, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। और ऑर्डनरी जो लोग थे, जो कॉमन बेचारे फार्मर्स थे, ये सब जो ऑर्डनरी लोग थे, एक खाली बेचारे जो है सूखा रूखा खा रहे थे, चावल खा रहे हैं, या मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कहते थे
उत्पला सका खाते थे, चावल और उत्पला सका। उत्पला सका एक वाइल्ड वेजिटेबल होती है जिसका काफी कड़वा टेस्ट होता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, अमीरों के लिए बहुत ही अच्छी जिंदगी जो कि हमेशा से रही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ही था, और गरीबों के लिए बहुत ही नॉर्मल। ठीक, मतलब कुछ जो है ग्रांट्स वगैरह, सम ऑफ द ग्रांट्स वी लर्न ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल, जैसे कि आपका ग्रेजिंग टैक्स, मतलब आप समझो यहाँ पे टैक्स तो एक लगता ही था, उसके बावजूद कई सारे एडिशनल टैक्स भी लगाए जाते थे फार्मर्स के ऊपर, जो बर्डन पड़ता था, ग्रेजिंग टैक्स, टैक्स ऑन पॉन्ड्स, है ना। तो ये सब मतलब जो है कुछ और भी कई सारे टैक्स थे। कुछ ग्रांट जो है वो ग्रांटीज को देती थी राइट वगैरह की वो लिवाई कर सकते हैं, फिक्स या फिर अनफिक्स कर सकते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर टैक्सेस को पीजेंट्स के ऊपर। ठीक है, फार्मर्स के ऊपर हमेशा से ही जानते हैं सारा बर्डन आता था वहाँ पे। पीजेंट्स वगैरह जो है उनको जो है वो ये रेंडर करते थे, रेंडर फोर्स्ड लेबर भी, ठीक है, जैसे विष्टी बोलते थे, है ना, कि मतलब जो है जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, कुछ केसेस में क्या था, जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया, उड़ीसा हो गया, तो हम कुछ विलेजेस यहाँ पे देखने को मिलते थे जहाँ पे ये विलेजेस जो है वो ब्राह्मण्स को देते थे। ठीक है, ब्राह्मण्स को यहाँ पे इन विलेजेस को दे दिया जाता था, और कुछ दूसरे डोनीस को दे देता था, अलोंग विद द आर्टिशंस, हेड्समैन, कल्टिवेटर्स, जो यहाँ पे हु वर टाइड टू द सॉयल लाइक सर्व्स इन द मिडिवल यूरोप। ठीक है, इन लोगों को जो है यहाँ पे काम करवाया जाता था, और ये सॉयल से इस तरह से जुड़े थे जैसे कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में देखा होगा मेरी, सर्व्स वगैरह होते थे ना मिडिवल यूरोप में, यहाँ पे यूरोप में जब उनका मिडिवल पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे सर्वडम चल रहा था ना, तो यहीं पे, हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा नाम नहीं यूज करा है, लेकिन काइंड ऑफ यहाँ पे भी मामला था। अब देखिए, राजपूत चीफ जो है दैट ही मेड मनी इवन फ्रॉम स्पैरोस, डेड बर्ड से, है ना, पिग डंग से, और जो आपका हो गया आपका जो है ये श्राउड्स वगैरह डेड बॉडीज से, तो ये था। और दूसरे एक राइटर हमें ये बात बताते हैं, है ना, कि जो विलेज था विच वॉज डीपॉपुलेटेड ड्यू टू एक्शन ऑफ द चीफ सामंत। ठीक है, मतलब विलेज जो था वो ऐसा था कि मतलब ये डीपॉपुलेट होता था ड्यू टू एक्शन ऑफ द चीफ सामंत, अब जिसे चीफ को सामंत कहते थे। अब सोसाइटी का नेचर कैसा था वो बात जानते हैं। तो देखिए, ग्रोइंग पावर ऑफ क्लास, वन सेकेंड, ग्रोइंग पावर ऑफ क्लास ऑफ पीपल हु आर वेरियसली क्लॉज सामंत, रनक, रौत, रौत मतलब राजपूत एक्सेट्रा। ठीक है, इनकी पार काफी यहाँ बढ़ रही थी। ठीक है, ऐसा कंटेम्प्रेरी राइटर्स बताते हैं कि इस समय जो है वो इनकी पार वगैरह ऐसे इन लोगों की बहुत बढ़ गई थी। कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो है वो इंक्रीजिंगली पेड करे जाते थे कैश में नहीं, बट असाइन करके उनको कुछ रेवेन्यू बेयरिंग विलेजेस, जिसमें बहुत ऐसे विलेजेस जहाँ से खूब पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, खूब पैसा देने वाले विलेजेस हैं, तो उनको ये विलेजेस असाइन कर दिए जाते थे कि भैया ले लो ये सारे विलेजेस, और यहाँ पे जो है वो तुम्हारे को कैश नहीं देंगे, ये सारे दे देंगे। ठीक है, तो उससे आप आराम से पैसा आगे भी कमा सकते हो। राजा और उनके सपोर्टर्स वगैरह, लोकल हेरिडिटरी चीफ्स वगैरह, या मिलिट्री एडवेंचर्स वगैरह, ट्राइबल हो या कैन लीडर्स हो, है ना, तो 10 यहाँ पे कुछ हायरार्की थी उनके ऊपर, इनके इनके अंदर, मतलब एक है ये समझ लो राजा है, फिर उसके बाद जो है कुछ आ रहे हैं नोबल्स आ रहे हैं, फिर उसके नीचे के, उसके नीचे के, उसके नीचे के, एक हायरार्की चल रही थी, बट इनका एक्चुअल जो पोजीशन थी वो वैरी कर रही थी। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन इनकी जो है एक जैसी नहीं थी, डिपेंड कर रहा था सिचुएशन कैसी है, तो उस हिसाब से इनकी पोजीशन रखी जाती थी। कुछ उनमें से जो है वो विलेज चीफ्स थे, कुछ उनमें से डोमिनेट थे ट्रैक से, जिसमें कि जो है कंप्राइजेस है नंबर ऑफ विलेजेस, वाइल कुछ जो थे वो डोमिनेटेड थे पूरे ही रीजन में। ठीक है, और रेवेन्यू असाइनमेंट जिसे आप कह सकते हो, भोग या फिर फीफ कह सकते हो, ये ग्रांटेड थी रूलर के द्वारा, और उसके ऑफिसर्स को वो देता था, सपोर्टर्स को वो देता था, ये टेम्परेरी थी, मतलब थ्योरी में टेम्परेरी थी, बट आप ये कह सकते हो कि इसको ये लोग वापस लेते नहीं थे, है ना, बहुत ही कुछ ऐसा डिसलॉयल्टी हो गई या कुछ बहुत ही खतरनाक चीज हो गई तभी वापस लेते, अदरवाइज नहीं लेते थे। ठीक है, ज्यादातर जो ऑफिसर्स थे वो उसमें जो है वो कंसिडर करने लगे कि मोनोपोली है वो कुछ फैमिलीज की, ज्यादातर मतलब जैसे कि कुछ फैमिलीज हैं भाई, उन्हीं उन्हीं के ही बच्चे और आगे और उसके पर पोते ही बन रहे थे वही वाले ऑफिसर्स। ठीक है, और ये जो हायरार्की चीफ थे वो ग्रेजुअली अज्यूम करने लगे कई सारे फंक्शंस गवर्नमेंट में भी, है ना, गवर्नमेंट में भी चलने लगे, भाई अब यही है कि ऑफिसर्स हैं इस परिवार के ही बनेंगे, इस परिवार के ही बनेंगे, इसी के सारे लोग ऑफिसर हैं, इसी के सारे लोग, फिर आगे होते होते उनका बेटा बना, उनका पोता बना, अब यही लोग धीमे 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 जो है वो गवर्नमेंट के फंक्शंस में भी आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अब हम कुछ बात करिए कास्ट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण्स और राजपूत को लेके। जो सिंध का रूलर था, जो खुद भी एक ब्राह्मण था,
और रूलर जो बंगाल के थे, साउथ इंडिया के थे, इन्होंने इनवाइट करा कई सारे ब्राह्मण्स को, है ना, और बहुत सारा इनको रेवेन्यू, फ्री लैंड दी उनको, और उनसे कहा वहाँ सेटल डाउन हो जाइए आराम से, ठीक है। ये सारे ब्राह्मण ने ना ही सिर्फ एक्सपैंड करा कल्टिवेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत बढ़ाया वहाँ पे, कल्टिवेट करना शुरू करा क्रॉप्स को, बट साथ ही साथ जो है वो वहाँ पे लोकल रेवेन्यू चीफ ऑफिशियल भी बन गए, ठीक है, वहाँ के लोकल मतलब वहाँ से पैसा भी लेने लग गए, वो उसका भी ऑफिशियल बन गए, मिनिस्टर भी वहीं के बन गए, कुछ लोग अकाउंटेंट का काम करने लगे, और भी बहुत सारे, है ना, कुछ एक एक्टिव रोल यहाँ पे मिलिट्री के अफेयर्स में प्ले करने लग गए थे, है ना। उसके बाद देखिए जो स्मृति राइटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे जो स्पिरिट के थे, उन्होंने कहा है, अपेयर करा है कि टू रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स बाय फर्दर एक्साल्टिंग द पोजिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस जैसे बढ़ती गई तो उनकी और पोजिशन को बताते गए कैसा था। एक नया सेक्शन आप कह सकते हो राजपूत का, यहाँ पे आया, देखने को मिला, ये सारे राजपूत थे, वो माना जाता था कि लीडर्स हैं ये क्लैन के, है ना, जिन्होंने कुछ कुछ लैंड, कुछ सर्टेन लैंड के ट्रैक्ट को ना, कुछ पार्ट लैंड का जो है यहाँ डोमिनेट यही लोग करते थे, और उसके बाद जो है इनको एंड प्रोवाइडेड द कोर ऑफ द आर्म फोर्सेस। यहाँ पे एक अच्छी डील कॉन्ट्रोवर्सी की है स्कॉलर्स के बीच में कि भैया ओरिजिन कैसे हुआ राजपूत का, ठीक है, इसमें कई सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने इसलिए जो है वो उसको नहीं इंक्लूड करा। अब देखिए क्या होता है राजप्तारिजेशन, है ना, तो व्हाट इज राजप्तारिजेशन इज अकंपनीड बाय द ग्रोथ ऑफ द एग्रारियन इकोनॉमी एंड आल्सो ऑफ एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द सम सेक्शंस। कुछ सेक्शन जो थे मतलब उन्होंने एग्रीकल्चर तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर में भी बढ़ गए, ठीक है, राजप्तारिजेशन मतलब यही है। और यहाँ पे जो है वो एंग्लिकुला, देयर वाज अ एंग्लिकुला लेजेंड, है ना, ट्रेस टू द 11th सेंचुरी, जहाँ पे जो सेज थी आपका वशिष्ठ की, उन्होंने चार राजपूत क्लैंस को प्रोड्यूस करा था। पहला था प्रतिहारास, फिर था सोलांकी या फिर चालुक्यास कह सकते हो, फिर आपका परमार या पवार कह सकते हो, और आखिरी में चाहमंस या फिर चौहान जिसे कहते हैं। तो ये सेक्रिफाइसल फायर से प्रोड्यूस हुए, और गुर्जर प्रतिहारा, जो गुर्जर प्रतिहारा था, है ना, जो रिप्यूटेड था ओरिजिनेट होने के लिए फ्रॉम द गुर्जर स्टॉक, है ना, इसको लिंक करा गया था लक्ष्मण से, है ना, जिन्होंने डोर कीपर थे, प्रतिहारा थे राम के, है ना, इनको गुर्जर प्रतिहारा को ही लिंक करा गया है यहाँ पे जो है वो लक्ष्मण से, ठीक है। अच्छा, इट विल बी दस बी सीन दैट कास्ट, है ना, जाति जो थी वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थी। कायस्थ, कायस्थ हम लोग जानते हैं अभी जो इस समय श्रीवास्तव होते हैं, भटनागर होते हैं, है ना, तो कायस्थ जो कास्ट होती है, निगम होते हैं, तो कायस्थ जो कास्ट होती है, जो यहाँ पे मेंशन ज्यादा होने लग गई है इस पीरियड में होने लगी थी, और ये माना जा रहा है कि ओरिजिनली जो लोग थे डिफरेंट कास्ट, जिसमें आपके ब्राह्मण्स वगैरह, शूद्रास वगैरह जो वर्क करते थे रॉयल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, इन्हें जो है वो कायस कहते थे। फिर समझिएगा, कई सारे डिफरेंट कास्ट से मिली है ना, ओरिजिनली पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, जिसमें आपका ब्राह्मण्स भी, शूद्रा भी, जो रॉयल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते थे, इनको जो है यहाँ पे कायस बोलते थे। फॉरनर जैसे कि हुन्स वगैरह, इनको वर ऑल्सो हिंदुआइज्ड। उसके बाद शूद्रास, दलित और स्लेव्स की बताऊँ तो लॉ गिवर जो आपके यज्ञ वल्क्य हैं, इनके अनुसार देखें तो ये पॉसिबल था ब्राह्मण के लिए कि वो फूड ले विद दिस फार्मर, बार्बर, और क्या कहते हैं, मिल्कमैन एंड फैमिली फ्रेंड्स। इट वाज पॉसिबल फॉर द ब्राह्मण टू हैव फूड विद हिज ब्राह्मण, सॉरी विद हिज फार्मर, बार्बर, मिल्कमैन एंड फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियन के हिसाब से, जो डीसी सरकार है उनके हिसाब से, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो क्लास कास्ट सिस्टम का था इस पीरियड में, वो था ग्रेजुअल एलिवेशन ऑफ द सोशल पोजिशन ऑफ द शूद्रास, ठीक है। अच्छा, ऑल दो ये मतलब यहाँ पे मामला क्या था ना, कि यहाँ पे इनको बहुत नीचे रखा गया था। ऑल दो दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, शूद्रों को यहाँ पे अलाउ नहीं था कि वो वेद पढ़े, है ना, ये लेकिन एलिजिबल थे सामर्थ रिचुअल के लिए, जैसे कि आपका बर्थ वाला, डेथ वाला, है ना, नामकरण संस्कार, नेम गिविंग जिसे कहते हैं, और भी कई सारे। अब देखिए जाट जो थे, वो जो जो मतलब एक पास्टोरल नोमैडिक ट्राइब थी सिंध में, वो धीमे 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 पंजाब में आई, और ये एग्रीकल्चरलिस्ट बन गई और वॉरियर्स भी बन गई। ऑल दो वर्ण सिस्टम में इनको क्लासिफाई करा गया है शूद्रा के तौर पे, शूद्रा माना जा गया है, शूद्र माना गया है इन्होंने, लेकिन एक ये फॉर्म करते हैं हायर सेक्शन और कंसिडर करते हैं खुद को ऑन पार विद द राजपूत, है ना। अच्छा, मैरिजेस जो थी हायर कास्ट के बीच में, शूद्रास के बीच में, ये फ्राउंड थी, मतलब ये मतलब यहाँ पे कह सकते हो आपकी ये एग्जिस्टेड, मतलब इनकी जो मतलब फ्राउंड का मतलब होता है डिसअप्रूव करना, ठीक है। तो मैरिजेस जो थी हायर कास्ट और शूद्रों के बीच में, वो मतलब हायर कास्ट और शूद्रों के बीच में, ये मतलब जो है वो डिसअप्रूव करी जाती थी। बट मतलब इनका ये था कि भाई, बट दैट दे एग्जिस्टेंस इज शोन बाय डबिंग द मैरिज ऑफ हाई कास्ट मैन। अब समझिएगा, यहाँ पे हाई कास्ट जो मैन है ना, मतलब
आदमी ऊपर है और हाई कास्ट में है, और जो लोअर कास्ट वुमेन है और जो औरत की कास्ट है वो लोअर है ना। इसे जो है एज एनुलम, मतलब अगर ये बात कहते थे कि मतलब ये सही है, ठीक है, ये बात सही है। अगर मान लीजिए आज भी नहीं कहते हैं भाई ब्राह्मण्स में, तो कहते हैं ये बात अक्सर कि अगर लड़की जो है वो नीचे कुल की है और लड़का जो है वो ऊपर कुल का है तो उसकी शादी हो सकती है ना। तो ये यहीं से है कि भाई देखिए ये बात मानी जाती थी कि ये नॉर्म बिल्कुल सही है। और अगर कोई लो कास्ट मैन है ना, अगर मान लीजिए लड़का शूद्र है या लड़की ब्राह्मण है, तो ऊपर की कास्ट की लड़की नीचे की कास्ट में शादी करे तो ये अगेंस्ट नॉर्म था, ये बात मानी है। लेकिन देखिए यहाँ पे भाई अलग अलग अगर निकल के आ रही थी कास्ट, तो मतलब इंटर कास्ट मैरिज तो होती थी। दलित्स को जो है वो कहते थे यहाँ पे अंत्याज, ठीक है, दलित्स को भी जो है यहाँ पे वर कॉल्ड अंत्याज, या फिर अनटचेबल आप कह सकते हो। एंड ये फिफ्थ सोशल ग्रेड थे, है ना, मतलब आप दलित की हालत बहुत खराब थी, शूद्रों से भी खराब थी, और आउटसाइड द फोर वर्ण सिस्टम, ठीक है, चार वर्ण सिस्टम के भी इनको बाहर रख दिया गया था। और यहाँ पे था कि परछाई भी ना पड़े अगर कोई ऊंची कास्ट का आ रहा है। तो दलित ये रहते भी थे टाउन के बाहर, रहते थे टाउन के अंदर रहते भी नहीं थे, है ना। स्लेवरी भी रही थी इस पीरियड में, और औरतें जो थी वुमेन जो थी उनको परचेज करते थे डोमेस्टिक वर्क के लिए, है ना, या फिर कंपनी के लिए। दो जो स्लेव्स थे उनको लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं यूज करते थे, फाइटिंग के लिए नहीं यूज करते थे, लेकिन ये फाइट तब करते थे जब इनको कहा जाता था कि भैया मास्टर की लाइफ तुम्हें अपने मालिक की लाइफ जो है बचानी है, तो तुम लड़ सकते हो और ये फ्री बन जाए, मतलब ही, और अगर आप ऐसा करते हो तो ही बिकेम फ्री एंड एंटाइटल्ड था पाने के लिए शेयर में अपने मास्टर की प्रॉपर्टी में, ठीक है। एक फीमेल स्लेव जिसमें चाइल्ड है अपने मास्टर का, अगर चाइल्ड उसको हो गया है तो ये भी जो है वो फ्री बन जाती थी। जनरल बताएं जो इमेंसिफिकेशन था आपका स्लेव का, ये आप गुड डीड माना जाता था, एंड देर वॉज रूल्स प्रिस्क्राइब फॉर डूइंग, रूल्स भी यहाँ दिए हुए थे कि मतलब किस तरह से क्या करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। स्लेव्स को ट्रीट करते थे बेटर देन पीपल फ्रॉम द अंत्याजा और डिस्पाइस के, मतलब यहाँ समझ, सबसे बुरी हालत यहाँ पे दलित की थी, दलित से भी बुरा यहाँ पे, मतलब स्लेव से भी बुरा यहाँ पे दलित को जो है वो ट्रीट करते थे। बात करते हैं औरतों की कंडीशन की, तो देखिए जो औरतें थी वो जनरली माना जाता था कि वो मेंटली इंफीरियर है ना, और आदमी के अंदर रहो आदमी के नीचे रहो, है ना, ये मतलब पैर धो के पी लो ऐसा वाला सीन था आदमी के। उनकी ड्यूटी थी कि ओबे करें अपने हस्बैंड को ब्लाइंडली, एकदम अंधा अंधुंध होके काम करें। और हालांकि यहाँ पे कुछ एक बात और भी थी कि भाई देखिए अगर हस्बैंड भी यहाँ पे अच्छा काम करेगा, है ना, खराब काम नहीं करेगा, ये सब भी बात कही थी। और औरतें जो हैं वो इनको वेदों से पढ़ने के लिए यहाँ पे भी अभी तक मनाई थी, और जो मैरिजेबल एज थी औरतों की वो काफ़ी कम थी, और इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उनकी हायर एजुकेशन की तो खत्म ही हो गई थी, आगे कैसे पढ़ती। क्वींस मेड इन वेटिंग वॉज कैपेबल, है ना, जो जो वहाँ पे था मामला, जो क्वीन के पास जो मेड्स वगैरह थी ये यहाँ पे एक्सीलेंट अच्छे से तरीके से संस्कृत और प्राकृत वर्सेस पढ़ लेती थी। और कई सारी स्टोरीज जो है वो ये बात पॉइंट भी करती हैं कि जो प्रिंसेस की स्किल्स थी फाइन आर्ट में, स्पेशली पेंटिंग म्यूजिक वगैरह में, बढ़िया थी, है ना। डॉक्टर्स जो हाई ऑफिशियल्स की थी, बड़े बड़े घरों की थी, कोर्टसंस की थी, और ये सब जो थी ये माना जाता है कि हाईली जो है वो स्किल्ड थी कई सारे आर्ट्स में, जैसे कि आपका पोएट्री हो गया, है ना। एज फॉर मैरिज जो स्मृति राइटर्स हैं वो बात कहते हैं कि गर्ल्स जो थी उनको मतलब वर टू बी गिवन अवे बाय देयर पेरेंट्स, है ना, मतलब किस एज में ये लोग शादी कर देते थे, 6 से लेके 8 साल की उम्र में कर देते थे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 8 साल से लेके अटेनिंग प्यूबर्टी जब तक के लिए आते हैं तब तक के लिए कर देते, तो मतलब बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी है। उसके बाद री मैरिज जो थी वो अलाउड थी कुछ कंडीशन में, जब हस्बैंड जो है वो डेजर्टेड हो जाए, मतलब कि जो है उस पता ना चले कहाँ गायब हो गया है ना, ना सुनाई दे उसके बारे में कुछ, या उसकी डेथ हो जाए, है ना, या अडॉप्ट करे लाइफ रिक्लूज की, है ना, या फिर इम्पोर्टेंट हो, है ना, मतलब या फिर जो है वो क्या कहते हैं आउटकास्ट का बन जाए, तो ऐसा कुछ हो तो रीमैरिज मतलब ऑलमोस्ट सारे केसेस में अलाउ थी। अब देखिए अगर हस्बैंड जो है वो अबैंडन्ड है, इवन अ वाइफ गिल्टी ऑफ ऑफेंसिव बिहेवियर, तो ये यहाँ पे मेंटेनेंस इसको देगा। और क्या कहते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स बढ़ने लगे लैंड में, तो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो औरतों के भी यहाँ पे बढ़ने लगे, है ना। तो इस लेकिन मामला क्या था, ताकि प्रॉपर्टी अच्छे से रहे, फैमिली को प्रिजर्व रहे, तो औरतें क्या करती थी कि अपना जो है राइट जो है वो प्रॉपर्टी वाला ये मेल रिलेशंस को अपने दे रहे थे, ठीक है, ये आदमी है आदमी अच्छे से संभाल लेगा, कुछ रिजर्वेशन के साथ में। विडो भी यहाँ पे जो विधवा थी वो भी यहाँ पे एंटाइटल्ड थी कि वो अपनी पूरी ही स्टेट जो उसके पास जमीन जायदाद है वो अपने हस्बैंड को दे दे अगर ये डाई करती है सनलेस, ठीक है, मतलब अगर कोई उसका बच्चा है और बच्चा जो है लड़का नहीं पैदा होता है तो वो अपनी सब कुछ जो है वो हस्बैंड को प्रॉपर्टी दे सकती है, ठीक है। डॉटर्स वगैरह जो है इनके पास राइट था कि वो सक्सीड कर दें प्रॉपर्टीज विडो की, है ना, ऐसे में राइट था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं था, अगर लड़की है तो ये पा सकती है किसी भी विधवा औरत की यहाँ पे क्या कहते हैं जमीन, है ना,
आई एम सो सॉरी, विद सम रिजर्वेशन अ विडो वॉज एंटाइटल्ड टू द, अच्छा आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बता दिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मामला ये कहने का है कि कुछ रिजर्वेशन के साथ बात क्या की कि यहाँ पे जो विधवा औरत है, ठीक है, विधवा औरत है वो पा सकती थी यहाँ पे पूरी ही जायदाद वगैरह अगर उसके जो हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है, मतलब विडो है तो भाई हस्बैंड की डेथ हो ही गई है, ठीक है, हस्बैंड मर चुका है और मान लीजिए यहाँ पे उसका बच्चा भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, तो लड़का जब नहीं है और हस्बैंड की डेथ हो गई है तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे विधवा के हाथ में आ सकती थी, ठीक है। यहाँ पे ये बात रिजर्वेशन में, कुछ रिजर्वेशन के अंदर आती थी। डॉटर्स वगैरह भी यहाँ पे इनके पास राइट था कि वो सक्सीड कर ले उन प्रॉपर्टीज को जो कि एक विधवा औरत की है, ठीक है। अब देखिए, एक अरब राइटर सुलेमान के अनुसार काफी फेमस है ये, जो जो राजाओं की बीवी थी वो कभी कभी इनको अपने आप को बर्न कर लेती थी फ्यूनरल पायर में अपने हस्बैंड्स की, है ना, बट ये इट वॉज फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन इन द मैटर, इनकी मर्जी थी पूरी तरह से, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई भी पर्दा या फिर आप जो मुंह ढकने का कोई भी वुमेन के लिए सिस्टम नहीं था। और आपका जो प्रभावती गुप्ता जो कि वाकाटाका डायनेस्टी की थी, जिन्होंने करीब जो है वो 13 सालों के लिए रूल करा एज अ मदर ऑफ युवराज के तौर पे, ठीक है, क्वीन दिद्दा रूल कश्मीर, है ना, ये सारी सारी जो है वो औरतें थी वो जिन्होंने रूल करा है। उसके बाद ड्रेस, फूड और अम्यूजमेंट के बारे में बताऊं तो धोती और साड़ी नॉर्मल ड्रेस थी आदमियों के लिए और औरतों के लिए ज्यादातर पार्ट में हमारे कंट्री के। नॉर्थ इंडिया की बताऊं तो मेन जैकेट भी पहन लेते थे और औरतें जो है वो चोली भी पहनती थी, जिसे बॉडीज कहते हैं, चोली की, छोड़ो। फ्रॉम स्कल्पचर्स ये बात देखने को मिलती है कि लंबे लंबे कोट्स हो गए, लॉन्ग कोट्स, ट्राउजर वगैरह, शूज वगैरह ये भी पहने जाते थे अपर क्लास मैन के द्वारा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। राज तरंगिणी के अनुसार हर्ष ने इंट्रोड्यूस करा था इनटू कश्मीर जनरल ड्रेस, हर्ष हर्षा होते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक जनरल ड्रेस जो है जो बी फिट कर रही थी, बी फिटिंग का किंग, ये इन्होंने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, ये इसमें आपका लॉन्ग कोट था, है ना। हमें कुछ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बारे में पता चलता है जो शॉर्ट कोट पहनते थे, है ना, और मतलब इनकर्ड द किंग्स डिसप्लेजर, ठीक है, यहाँ पे बात थी। और मतलब जो वुलन ब्लैंकेट्स थे, है ना, मतलब जो ये आपका गर्म वाले जो ब्लैंकेट्स थे इनको भी विंटर में यूज़ करते थे, वाइल कॉटन जो थी वो वो तो मटेरियल था जो मोस्टली यूज़ होता था, कॉटन ऐसा मटेरियल था वो मोस्टली यूज़ करते थे। अपर क्लासेस यूज़ करते थे सिल्क क्लॉथ को और फाइन मसलिन को भी, है ना, और दोनों ही मेन और वुमेन जो थे वो गोल्ड ब्रेसलेट पहनते थे, है ना, और इयररिंग भी सोने का पहनते थे, कभी कभी ये कॉस्टली स्टोन्स भी पहनते थे। एक चाइनीज राइटर चाउ जू कुआ ये बात कहते हैं कि गुजरात में दोनों ही औरत और आदमी डबल इयररिंग्स पहनते थे और काफी क्लोज फिटिंग क्लोथ भी पहनते थे, इसमें हुड्स वगैरह थे उनके हेड्स पे एज वेल एज रेड कलर्ड शूज अपने मतलब जो है वो पैरों में पहनते थे। मार्को पोलो हमें बात बताते हैं कि मालाबार मैन जो मैन और वुमेन जो थे वो पहनते थे सिर्फ एक लॉयन क्लोथ, ये लॉयन के कपड़े का जो है वो क्लोथ पहनते थे, और जो किंग जो बेयर करते थे नो एक्सेप्शन दैट द किंग बीइंग नो एक्सेप्शन एंड दैट द प्रोफेशन ऑफ द टेलर वाज अननोन। लॉयन क्लोथ जो था वो ड्रेस थी औरतों की भी और आदमियों की भी क्विलन में, है ना, बट दो इनके क्लोथ वगैरह स्कैंटी थे, कम थे, तो जो किंग्स थे सदर्न इंडिया के वो ज्वेलरी यहाँ पे काफी पहनते थे। आप देखते होंगे ना यहाँ पे साउथ में क्या कहते हैं, ज्वेलरी ज्यादा पहनते हैं, है ना, कपड़े भले कम पहने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू चाउ जू कुआ जो किंग है मालाबार के, वो ड्रेस थे कॉटन लॉइन क्लोथ में और ये बेयर फुटेड थे लाइक हिज सब्जेक्ट्स, बट जब ये बाहर जाते थे एलिफेंट पे बैठते थे इन द प्रोफेशन, तो ये यहाँ पे गोल्डन हैट पहनते थे जो कि पूरी तरह से इसमें सोने चांदी और उसके बाद पर्ल्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे जेम्स लगे होते थे एज वेल एज गोल्डन आर्मलेट्स और एंकलेट्स भी पहनते थे। मार्को पोलो ये बात भी कहते हैं व्हाट इज किंग वेयर्स बिटवीन गोल्ड एंड जेम्स एंड पर्ल्स इज वर्थ मोर देन सिटीज रैंसम, है ना, जितना यहाँ पे रैंसम अमाउंट पूरे सिटी से मिलता था इनको पैसा जितना मिलता था यहाँ पे, ये आप कह सकते हो कि जो अकिंग पहनता था उससे बहुत ज्यादा महंगा पहनता था। वेजिटेरियन लोग ज्यादा थे, है ना, ये माना जाता है कि कई सारे एरियाज में वेजिटेरियन है, कई सारे सेक्शंस ज्यादा वो थे, और जो एक स्मृति राइटर थे उस वक्त के उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि ज्यादातर जो ओकेशंस वगैरह थे इसमें मीट वगैरह ऐसा नहीं है कि मना था, लॉफुल था, आप खा सकते हो। और ये बात है कि भाई देखिए पिकॉक वगैरह, हॉर्स वगैरह, वाइल्ड एस वगैरह, वाइल्ड कॉक वगैरह, वाइल्ड पिक वगैरह को लॉफुल फूड मानते थे कि ये सारी चीजें आप खा सकते हो, ठीक है। वाइन को जो है यहाँ पिया जाता था कई सारे सेरेमोनियल ओकेशंस पे, ठीक है, और जिसमें आपका मैरिज हो गया, कोई फीस्ट है, कोई सॉरी कोई फेस्ट है और आउटिंग वगैरह आप कर रहे हो, काफी पॉपुलर थी ये सारी क्लासेस में सिटीजन की, इवन औरतें वगैरह जो किंग की
ट्रेन में थी वो भी फ्रीली जो है वो वाइन पीती थी, वाइल कुछ जो स्मृति राइटर्स हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए वाइन नहीं थी, है ना, और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थी अपर ड्रिंकिंग टू द थ्री अपर कास्टेस, कुछ कहते हैं कि ये फॉरबिड थी सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए। और क्या कहते हैं मतलब कुछ जो है वो स्मृति राइटर्स कहते हैं कि फॉरबिड वाइन ड्रिंकिंग टू द थ्री अपर क्लासेस, यहाँ पे फॉरबिड था ये वाइन को पीना तीन अपर क्लासेस के लिए, मतलब प्रोहिबिट का मतलब होता है मना थी, ठीक है। तो कुछ स्मृति राइटर्स कहते हैं कि फॉरबिड वाइन ड्रिंकिंग टू द थ्री अपर क्लासेस, जो ऊपर की तीन क्लासेस हैं ना उनको यहाँ पे मना थी। कुछ दूसरे कहते हैं कि फॉरबिड इट ओनली टू द ब्राह्मण्स, कुछ कहते हैं कि ऊपर की तीन क्लास नहीं पीती थी, है ना, मना था इनको। कुछ कहते हैं सिर्फ ब्राह्मण्स को मना था, और क्षत्रियाज वगैरह और वैश्याज जो है उनको परमिट था कि वो पी सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे इसके। तो अब यहाँ पर इस बात पे तो डिस्कशन है। अच्छा, फेयर्स और फेस्टिवल के साथ अलावा भी एक्सर्शंस टू गार्डन्स वगैरह, स्विमिंग पार्टीज वगैरह और जो है एक्सेट्रा वगैरह, ये काफ़ी पॉपुलर थी, और कई सारे टाइप्स ऑफ एनिमल के बीच में फाइट भी करते थे, जैसे कि रैम्स हो गया, कॉक्स वगैरह हो गया, एज वेल एज रेस्लिंग बोट्स, है ना, ये काफ़ी पॉपुलर था मासेस के बीच में। अपर क्लासेस जो है वो काफ़ी डाइसिंग के काफ़ी जो है वो थे, वो मतलब खेलते थे ये डाइसिंग वाला गेम, और हंटिंग करते थे काफी, है ना, और कई तरह की जो है इंडियन पोलो जो काफी आप कह सकते हो रॉयल पास टाइम हुआ करता था उस समय, है ना, वक्त बिताने के लिए करना है कुछ काम। फिर एजुकेशन, साइंस और रिलीजियस लर्निंग की बात करें तो रीडिंग और राइटिंग जो है कुछ स्मॉल सेक्शन तक ही थी। आप जानते हैं कई सारे लोगों को तो अलाउ नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण्स वगैरह और कुछ दूसरे अपर क्लासेस जो है स्पेशली जो आप कायस्थ वगैरह हैं इन्हीं को ही सिर्फ यहाँ पे पढ़ने को मिलता था। कभी कभी टेम्पल्स जो है उनमें अरेंजमेंट भी करते थे एजुकेशन के लिए, हायर लेवल के लिए, और एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट हैड टू गो टू द हाउस ऑफ अ टीचर, एक स्टूडेंट को जो है वो टीचर के घर घर जाना पड़ता था या फिर उसके साथ रहना पड़ता था अगर उसे जो है हायर एजुकेशन पानी है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता था कि इसे फीस देता था ये टीचर को या उसे गिफ्ट देता था जब उसकी एजुकेशन खत्म होती थी। तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली वो सारे जो काफ़ी गरीब थे और फीस नहीं दे पाते थे, वो एक्सपेक्टेड थे कि वो पर्सनल सर्विस दे दें टीचर को, ठीक है, अपना काम वाम उसका कर दिया करें। और जो मेन सब्जेक्ट्स पढ़े जाते थे कई सारी ब्रांचेस में वो वेदा और ग्राम थे, वेदा और ग्रामर भी थे, ग्रामर्स और वेदास वगैरह थे। लॉजिक और फिलोसफी वगैरह काफ़ी पढ़ी जाती थी, और पॉलिटिक्स वगैरह को इंक्लूड करा गया था पॉलिटिकल मोरालिटी में, वो काफ़ी पॉपुलर था नोबिलिटी के बीच में, नोबल्स के बीच में, कोल्ट के जो लोग होते हैं। और एक नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी ब्रांच ऑफ स्टडी में ये है कमंदका नीतिशारा का, है ना, कमंदका नीतिशारा है। और ये कायस्थ वगैरह इनका खुद का सिस्टम था टीचिंग का, टीचिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आपका अकाउंटेंसी वगैरह आता था। और साइंस की बात करें इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन वगैरह, वो कई सारे सेंटर्स में पढ़ाई जाती थी। दस जो अरब एस्ट्रोनॉमर है अबू मशीर ऑफ बल्क, इन्होंने बनारस में पढ़ा था 10 सालों के लिए 9th सेंचुरी में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशन देने की, क्राफ्ट की और प्रोफेशन की, वो जनरली जो है वो गिल्ड्स के लिए जो है वो दे दी गई थी या फिर इंडिविजुअल फैमिलीज को दे दी गई थी। और नालंदा बिहार की काफ़ी फेमस थी, विक्रमशिला और उदयपुर, है ना, ये भी बिहार में थी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज थी कई सारे। आप जानते हैं नालंदा को जो है वो 200 गाँव के रेवेन्यू से चलाया जाता था, इतनी ग्रांट आती थी इसके लिए। कई सारे शैवा सेक्ट और सेंटर्स जो लर्निंग के थे वो कश्मीर में काफ़ी फ्लरिश हुए इस पीरियड में, और कई सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स को सेटअप करा गया साउथ इंडिया में, जैसे कि आपका मदुरई हो गया, श्रृंगेरी वगैरह हो गया। और क्या कहते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस की जो कंट्री में ग्रोथ थी ना वो काफ़ी स्लो हो गई थी इस पीरियड में, है ना, ये काफ़ी कम थी। और इसलिए सर्जरी वगैरह काफ़ी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे डिसेंशन हो गया कि डेड बॉडीज़ वगैरह को जो है वो सिर्फ उन लो कास्ट के लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो छुएंगे या कुछ करेंगे। इनफैक्ट सर्जरी काफ़ी प्रोफेशन बन गई बार्बर्स का, है ना, नाई का। एस्ट्रोनॉमी धीमे धीमे जो है वो पीछे चली गई एस्ट्रोलॉजी के, हावर कुछ एडवांस जो है वो मैथमेटिक्स में हुआ। और लीलावती जो भास्कर टू की थी, जो कि द लीलावती ऑफ भास्कर टू विच वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड रिमेन्ड अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये जो है। उसके बाद एडवांस जो है वो करा गया मेडिसिन की फील्ड में बाय द यूज ऑफ मिनरल्स, स्पेशली मरकरी वगैरह को यूज करके। बट नो वे वॉज फाउंड ऑफ ब्रीडिंग फाइन क्वालिटी हॉर्सेस, है ना, अच्छी क्वालिटी के हाउसेस की ब्रीडिंग, हॉर्सेस की यहाँ ब्रीडिंग नहीं होती थी, घोड़ों की नहीं होती थी। इसलिए इंडिया जो है यहाँ पे डिपेंडेंट था इम्पोर्ट करने पे, है ना, बहुत पैसा हमारा जाता था हॉर्सेस को इम्पोर्ट करने में, फ्रॉम सेंट्रल एशिया से मंगवाता था, अरेबिया से मंगवाता था, ईरान से मंगवाता था। अल बिरूनी ने ये बात नोट करी कि इंसुलर एटीट्यूड जो कि पढ़े लिखे लोगों का है कंट्री में, दैट इज ब्राह्मण्स का, और ये कहते थे कि ये हॉन्टी थे, फुलिश थे, वेन थे, सेल्फ कंसीव थे, तो इस वजह से थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इतनी बढ़ोतरी नहीं करने दी इन लोगों ने।
कुछ रिलीजियस मूवमेंट और बिलीव्स की बात करूँ तो पीरियड ये माना जाता है कि रिवाइवल था, एक्सपेंशन था हिंदुज्म का, और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की कम डिक्लाइन होता रहा। एक ट्रेडिशन के अनुसार पांड्या किंग जो मदुरई के थे, उन्होंने एग्जीक्यूट करे कई सारे लार्ज नंबर ऑफ जैन मॉन्क्स को एज द इंटेंस ऑफ द सेवाइत प्रीचर सम बांदर। कुछ इंस्टेंसेस में उनके टेम्पल्स वगैरह को भी ले लिया गया, और इस वजह से जो टेम्पल पुरी का था वो एक बार कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करते था। टेम्पल जो कुतुब मीनार के पास है वो एक बार कहते हैं कि वो जैन टेम्पल हुआ करते थे, उसके बाद इनको विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट करा गया। बुद्धिज्म धीमे 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 कुछ ईस्टर्न इंडिया में ही रह गया, और पार्लर रूलर जो थे वो बुद्धिज्म के पैटर्न थे, है ना। और पार्लर पावर जब कम हुई 10th सेंचुरी के बाद, तो ये भी वह बुद्धिज्म को उस एरिया से भी ले गया। जो फॉलोवर्स थे गोरखनाथ के, इनको कहते थे नाथ पंथीज, क्या बोलते थे, नाथ पंथीज। और एट वन टाइम इनको काफी पॉपुलर थे नॉर्थ इंडिया में, और कई सारे योगीज वगैरह जो है वो लो कास्ट के बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को जो है वो डिनाउंस कर दिया, और एंड द प्रिविलेज क्लेम बाय द ब्राह्मण्स, इसे डिनाउंस कर दिया। और जो पाथ था इन्होंने प्रीच करा, इसे बोलते थे तंत्र, क्या हुआ, तंत्र। एंड ये सबके लिए ओपन था, चाहे जिस भी कास्ट का हो, इसमें कास्ट की कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। इसलिए बुद्धिज्म जो था वो ज्यादा जो है डिक्लाइन नहीं हुआ, और ये अज्यूम करा इसमें फॉर्म्स विच मेड इट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हिंदुइज्म। जैनिज्म वगैरह कंटिन्यू रहा पॉपुलर रहना, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बीच में, और चालुक्यन रूलर जो थे गुजरात के, ये पैटर्नाइज करते थे जैनिज्म को। ये इस वक्त की बात है कि कुछ जो सबसे ज्यादा मैग्निफिशेंट जैन टेम्पल, जैसे कि दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, इनको सबको यहाँ बिल्ड करा गया था। और जो है आपका परमारा रूलर्स मालवा के साथ ही साथ इन्होंने कई सारे जो है बिल्ड करे कई सारे इमेजेस जैन सेंस की और महावीरा की, है ना, जो कि जिनकी पूजा करने लग गए। साउथ इंडिया में बताऊँ तो जैनिज्म जो है अटैच था अपने हाई वाटर मार्क से ड्यूरिंग द 9th एंड 10th सेंचुरीज। और जो गंगा रूलर्स थे कर्नाटका के, वो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न थे जैनिज्म के। इस पीरियड की बताऊँ तो कई सारे जैन बासादीज टेम्पल्स और महासंवास, मतलब जिसे पिलर्स कहते हैं, इनको सेटअप करा गया कई सारे पार्ट्स में। कोलोसल इमेज श्रवण बेलगोला की, इसको इस वक्त ही सेटअप करा गया था। और स्टैचू करीब 18 मीटर की लंबी है, और ये ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। इसमें सेंट दिखाए हैं कि ये खड़े हुए हैं, है ना, और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना रिजिड ऑस्ट्रिचेस अन माइंडफुल ऑफ दी स्नेक्स कॉइल्ड अराउंड हिज फीट, है ना। कौर सभी सारे जो है वो ऐसे लिपटे हुए भुजंग हैं इनके पैर के पास में, और ऐसा कुछ है। अच्छा, जैन डॉक्ट्राइन ऑफ द फोर गिफ्ट्स, लर्निंग फूड मेडिसिन शेल्टर, है ना, इसने हेल्प करा बनाने में जैनिज्म को काफी पॉपुलर लोगों के बीच में। वक्त के साथ साथ रिजिडिटी बढ़ने लगी जैनिज्म की, और रॉयल पैटर्नेज में एंड जो लॉस हुआ रॉयल पैटर्नेज का, इसकी वजह से जैनिज्म की कमी होने लगी। शिव और विष्णु काफी पॉपुलर और काफी चीफ गॉड्स बन गए। कई सारे लोकल गॉड और गॉडेसेस, इसमें क्या आपका गॉड और गॉडेसेस ट्राइबल्स के थे, है ना, इनको भी हु हैड बीन हिंदूज, ये काफी सबऑर्डिनेट बन गए। और देयर कंसॉर्ट्स, ईस्टर्न इंडिया की बताऊँ तो जो कंसॉर्ट्स थे, मतलब तारा द कंसॉर्ट ऑफ बुद्धा थी, दुर्गा और काली कंसॉर्ट ऑफ शिवा थी, ये खुद में ही जो है वो चीफ ऑब्जेक्ट्स बन गए वर्शिप के। भक्ति मूवमेंट, इसके साथ कई सारी सीरीज हो गई पॉपुलर सेंट्स की, जैसे कहते थे नयन मार्स एंड अलवार्स, ठीक है। ये सारे सेंट ने रिजेक्ट कर दिया ऑस्टेरिटीज को, और ये इन्होंने जो है दे लुक्ड अपॉन रिलीजन नॉट अ मैटर ऑफ कोल्ड फॉर्मल वर्शिप, बट एक लिविंग बॉन्ड जो कि बेस्ड था लव पे बिटवीन गॉड एंड द वर्शिपर। इन्होंने ये बात कही कि रिलीजन भाई ऐसा कुछ नहीं होता, रिलीजन में सिर्फ इतना होता है कि ये एक प्यार का संबंध है जो कि ईश्वर और एक जो जो आपका जो है वो वर्शिपर है उसके बीच में है, और जो चीफ ऑब्जेक्टिव है उनकी वर्शिप का वो थे शिव और विष्णु। यहाँ पे जो है दे स्पोक एंड रोट इन तमिल, ये बात भी करते थे और तमिल में जो है लिखते भी थे, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे इजिली अंडरस्टैंड करते थे तमिल को। अब क्या था, यहाँ पे जो है वुमेन सेन भी थी, इनका नाम अंडल था, है ना, और ऑलमोस्ट सारे ही जो थे इनमें डिस्कार्ड करते थे इनइक्वालिटीज कास्ट वगैरह की। कास्ट में कोई इक्वालिटी नहीं थी, इनइक्वालिटी थी यहाँ पे। दो, दे डिड नॉट ट्राई टू अपोज द कास्ट सिस्टम एज मच, ठीक है, इन्होंने कोशिश नहीं करी कास्ट सिस्टम को ज़्यादा अपोज करने की। और जो लोअर कास्ट थे इनको यहाँ एक्सक्लूड कर दिया गया वेदों को पढ़ने से, वैदिक स्कॉलरशिप से और वैदिक वर्शिप से भी। और जो पार्ट था भक्ति का एडवोकेट करा गया था इन सारे सेंट्स के द्वारा, ये सबके लिए ओपन था, चाहे वो जिसकी भी कास्ट हो। उसके बाद कई सारे आचार की सीरीज, जिसमें आपका नाथ मुनि के द्वारा लेट करी जा रही थी, इसने कलेक्ट करा, सिस्टमाइज करा टीचिंग्स को अलवार सी, और उन्हें इक्विवेलेंट डिक्लेयर कर दिया कि वेदों के बराबर है। कई सारे ट्राइबल्स आए हिली एरियाज से, ये सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए रिवर वैलीज में, है ना। यहाँ पे जो एरियाज थे जो ऑफन हेल्ड करे जाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा, इनको जो है
जो इंट्रोड्यूस करते थे नई नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स, या फिर टेम्पल्स जहाँ पे ट्राइबल गुड्स को जो एसिमिलेट करते थे, ये एज सपोर्टर्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। एक्सपैंडेड जो एग्रीकल्चर था और एक नया जो टेम्पल रिचुअल्स थे, इन्हें काफी मजबूत बनाया पोजिशन रूलर की और लोकल स्टेट की, जैसे कि आपका चोला वगैरह, चोला स्टेट है ना, चोला स्टेट। उसके बाद एक दूसरा पॉपुलर मूवमेंट जो इस समय 12th सेंचुरी में निकल के आया, वो था लिंगायत का, या आप कह सकते हो वीर शैव मूवमेंट का। इसके फाउंडर्स जो थे वो बसावा थे और उनका नेफ्यू था, और चन्न बसावा जो रहे थे कोल्ट में कलचूरी किंग्स ऑफ कर्नाटका के, है ना। उन्होंने एस्टैब्लिश करा था अपना फेथ और बिटर डिस्प्यूट्स जैन के साथ में, और लिंकायत जो है वो शिव जी के वर्शिपर्स थे। स्ट्रांगली अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, रिजेक्ट करते थे ये फास्ट वास्ट रखना, व्रत रखना, फेस्ट करना, पिलग्रिमेज कहीं जाना या सेक्रीफाइस को। सोशल स्फीयर में इनको इन्होंने अपोज कर दिया था चाइल्ड मैरिज को, और अलाउ कर दिया था री मैरिज को विडोज की। ज्यादा जो सीरियस चैलेंज था बुद्धिज्म को और जैनिज्म को, वो पोज था संकारा के द्वारा, है ना, जिन्होंने रिफॉर्मुलेट करा हिंदू फिलोसफी को। संकारा जो थे वो बॉर्न थे केरला में, और प्रोबेबली आप कह सकते हो 9th सेंचुरी में। संकारा फिलोसफी को आप कह सकते हो अद्वैत वेद और ए डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डुअलिज्म। संकारा के हिसाब से गॉड ने क्रिएट करा है वर्ल्ड को, है ना, ये आर वन, द डिफरेंसेस वेर अपेरेंट बट नॉट रियल एंड अरोज हुए हैं क्योंकि इग्नोरेंस हुआ है ना, माया इसका पार्ट है, सब मोह माया है ना, तो माया का पार्ट है, इस माया की वजह से यहाँ हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। अगर आपको जो है मुक्ति पानी है, तो आपको भगवान की जो है भगवान में लीन होना पड़ेगा, मजबूत करनी होगी अपनी नॉलेज दैट गॉड एंड द थिंग्स क्रिएटेड वर वन एंड द सेम। ठीक है, ये बात करना हमें समझना पड़ेगा कि जो ईश्वर हैं जिन्होंने क्रिएट करा है पूरा वर्ल्ड, उन्होंने एक एक संसार को क्रिएट करा है और सब एक जैसे हैं। इस फिलॉसफी को जो है वो वेदांत बोलने लगे, वेदांत कहते थे, इसलिए संकारा ने अपहेल्ड करा वेदों को एज अ फाउंटेन हेड ऑफ द ट्रू नॉलेज। ये नॉलेज का जो ये जो पाथ था नॉलेज का, वो आगे रखा गया संकारा के द्वारा, ये फॉलो करा जाता था कुछ ही लोगों के द्वारा। संकारा ने जो है वो रिजेक्ट नहीं करा भक्ति का पार्ट, बट भक्ति संकारा डिड नॉट रिजेक्ट द पार्ट पाथ ऑफ भक्ति बाय विच द डिवोटी मर्ज विद गॉड। बट इसके लिए जो हार्ट था उसे एकदम साफ होना चाहिए, दिल को साफ होना चाहिए अपने यज्ञ वगैरह से, या आप ज्ञान से, अपने ये कह रही हूँ सॉरी, ज्ञान से या नॉलेज से। इट कुड नॉट दस इन्फ्लुएंस द मासेस। इस वजह से ये यहाँ पे मामला क्या था कि ये ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए मासेस को। और आचार्य जो थे फ्रॉम नाथ मुनि ऑनवर्ड्स वर ऑल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड हैड आर्ग्यूड दैट पाथ ऑफ भक्ति वॉज ओपन ओनली टू द थ्री अपर कास्ट, है ना। इन्होंने ये बात बहस करी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने कि भैया जो भक्ति का यहाँ पे जो है वो रास्ता है, सिर्फ अमीर लोगों, अमीर कह रही हूँ, वो ऊपर की 3 कास्टों के लिए है। ठीक है, 11th सेंचुरी में एक दूसरे फेमस आचार्य रामानुजा आए, इन्होंने कोशिश करी कि वो असिमिलेट करें, एक साथ लेकर आए भक्ति को वेदों के साथ में। इन्होंने आर्ग्यू करा कि अगर आपको मुक्ति पानी है तो ग्रेस ऑफ गॉड काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से ज्यादा आपको जो है ईश्वर का ग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजा ने इस बात पे काफी जोर डाला कि जो प्राप्ति का जो रास्ता है, या फिर आप टोटल रिलायंस है या सरेंडर है गॉड को, ये सबके लिए ओपन है, चाहे वो शूद्र हो दलित हो, सभी लोगों के लिए है कि ईश्वर की आराधना कोई भी कर सकता है। ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश करा गया रामानुजा के द्वारा, इसमें कई सारे लोग आए, थिंकर्स आए, जैसे कि आपका आपका माधव चार आए 10th सेंचुरी में, नॉर्थ ऑफ द इंडिया बाय रामानंद, नॉर्थ में रामानंद आए, वल्लभ चार और दूसरे वगैरह आए। इस तरह से भक्ति जो है अपनी पॉपुलर फॉर्म में बन गई, सारे सेक्शन जो है हिंदू के इसको एक्सेप्ट करने लगे, हिंदू सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट करा 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत ही मेहनत से करा है। आप प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और अगर आप इसको देखना चाहते हो फेसबुक पे, तो सिर्फ IS के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हो। और अगर आप इसको देखना चाहते हो नहीं, बस यहीं पे ही है, और टेलीग्राम चैनल मेरा सिर्फ IS के नाम से, आप चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का नीचे लिंक दिया हुआ है। और प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे मुझे बहुत शक्ति आती है, एनर्जी आती है, प्रोटीन एक्स की तरह काम करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे।